नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केटीएस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में लायंस क्लब व कुशालगढ़ क्लब महिला मंडल की संयुक्त तत्वाधान से सेफ सिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लब की महिला मंडल प्रदेश अध्यक्ष जया सेठी ने बताया कि सेफ सिटी कार्यक्रम के तहत अनाथ बच्चों को खिलौने वितरित किए गए, साथ ही महिला हेल्पलाइन पुलिस सहायता नंबर बी केयर फॉर यू, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला प्रोत्साहन सहित अन्य प्रशासनिक टोल फ्री नंबरों के बारे में जानकारी दी गई तथा आम लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग शहर की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। कार्यक्रम के दौरान दोनों क्लबों के महिला सदस्य मौजूद रहे। आइए देखते हैं संबद्धता की ग्राउंड रिपोर्ट। का उद्देश्य इंदौर में महिलाओं और लड़कियों के लिए भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना है, तो आइए इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। यदि आप ऐसे किसी प्लेस के बारे में जानते हैं जहां पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है या फिर किसी भी तरीके की छिड़कानी की घटनाएं वहां होती रहती है, तो ऐसे प्लेस का नाम आप कमेंट करके बताइए। यदि आप या आपकी कोई भी फीमेल फ्रेंड या फिर सिस्टर, मदर किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है और वो किसी को बताने से डरती है, तो उसे वन स्टॉप सखी सेंटर के बारे में बताइए। वन स्टॉप सखी सेंटर आपका एक ऐसा फ्रेंड जो किसी भी तरीके की हिंसा या छेड़खानी की परेशानियों को यूं रिजॉल्व कर सकता है, वो भी विद कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसा कि सफाई में इंदौर नंबर वन बना है, वैसा ही हम सुरक्षा के मामले में इंदौर नंबर वन पूरा सहयोग करेंगे और हम बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार। सुरक्षा हमारी जनता को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, इसलिए एक जागरूकता अभियान जो जिला प्रशासन ने शुरू किया है बहुत ही अच्छा है और हम चाहते हैं कि जितना सहयोग हमसे भी होगा हम उसमें करेंगे और वो इस अपने इसमें सफलता पाएं और अपने जो टारगेट है सुरक्षित इंदौर का उसे जल्दी ही पालें ताकि हमें भी इस बात की खुशी हो कि हम सुरक्षा से बाहर निकल सकें। बहुत सौभाग्य है कि हम यहाँ मातृ छाया में उपस्थित हैं। हमारी जो संस्था है लायंस क्लब ऑफ इंदौर शाश्वत, यह मात्र महिलाओं की एक संस्था है, क्लब जो है वो महिलाओं का है। क्लब संस्था तो इंटरनेशनल संस्था है पर हमारा क्लब महिलाओं का है और इसमें हम करीब 21 महिलाएं मेंबर हैं और जो समय समय पर समाज में सेवा का कार्य करते हैं। मातृ छाया में अक्सर आते रहते हैं, यहाँ दूध के डब्बे वगैरह इत्यादि जो भी आवश्यकता होती है वो देते हैं। आज हम लोगों ने छोटे बच्चों के लिए जो यहाँ, क्योंकि एक महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ खिलौने दिए हैं, सॉफ्ट टॉयज दिए हैं कि जो बच्चे खेल सके। तो हमारी जो सब सदस्याएं हैं इसमें सहयोग करती, जैसे आज हमारी अध्यक्ष मेघा रणदीबे हैं, अर्चना दीक्षित हैं, रेखा भार्गव जी हैं, ये अभी हमारे क्लब में नहीं है पर हमारे क्लब हम लोगों के साथ बरसों से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अचला जैन, आभा पांडे, हमने प्रवेश करवा दिया। ये मातृ छाया प्रकल्प 2006 से यहाँ पर चल रहा है। मातृ छाया मूलतः ऐसे निराश्रित बच्चे जो परिवार के द्वारा मजबूरी बस माएँ त्याग देती है और कचरे के ढेर में, नाले में, खंडरों में, रोड के किनारे सुनसान जगहों पर ऐसे जो बच्चे मिलते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब जिससे भी मिलते हैं वो सबसे पहले पुलिस को सूचना करता है, पुलिस वाले उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। जब पूरी तरह से फिट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वो मातृ छाया में आता है। 2006 से लेकर के अभी तक लगभग 240 बच्चे संस्थान में आ चुके हैं।